कदा तमाशा बनिया मेरे बच्चे रड़ा बचाए लोके दा काकने गया जल्दी आओ मेरे पापा को सांस नहीं आ रही मेरे से जल्दी जल्दी में निकल गया था क्या निकल गया था कि पापा ने फांसी लगा ली मैंने सांस बोला था आप बताओ जो बच्चे ने बोला मैम मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है जब उसने फोन किया हेलो 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 बाबू तो आप कहाँ रह रहे हैं क्या पापा ने फोन आ लिया पापा ने आपके भाई ने आपको फोन किया कभी बात हुई उससे पहले फोन किया था दो तीन दिन पहले तो बोलता दीदी मेरी सालियां आई हैं सारी तो मेरे साथ झगड़ा कर रही है छोटी वाली साल ने मुझे थप्पड़ मारा है किस बात पे कि ऑपरेशन क्यों कराया हमारी बहन का किस बात वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी आप वो भी सुनो मैम ये कुछ बोल ऐसे किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था मेरा पता करने आए मेरे पति ने उनके साथ झगड़ा किया वो चले गए हम भी पास में रहते हैं हमें किसी ने नहीं बताया फोन करके कि इसका ऑपरेशन इनकी फैमिली सारी थी हमें किसी ने नहीं बताया मेरे को मालिक ने वो जहाँ ये काम करते इसके मायके वाले सामने आए मेरे फैमिली वाले मुझे बुलाती नहीं थी मैंने फोन किया इनको मेरे ससुराल वाले नहीं बुलाते मायके वाले नहीं बुलाते ससुराल वाले ने इसको खींचा मैम पहले मैंने बोला सुनो पहले मैंने बोला लेकिन जब इसने अपने बयान चेंज किए जब इसने बयान चेंज किया कि इसकी सांस फूली थी तब मैंने खुद पुलिस वालों को बोला इसका बॉस मैडम करो पहले इसने खुद बाहर निकाला क्या नाम है आपके हस्बैंड का नासिर हुसैन उनकी मौत कैसे हुई उनको अटैक हुआ सांस का उनको सांस का अटैक हुआ हाँ जी पहले से वो बीमार थे नहीं पहले भी अटैक होता उनको ये कौन सा अटैक ये सांस का ये तीसरा अटैक था रहने वाले कहाँ सुंदरबनी के हाँ जी कितने बच्चे हैं आपके दो बच्चे हैं मेरे शादी को कितने साल हो दस साल हो जाएंगे अब दस साल हाँ तो जिस तरह से मैं आपसे ये जानना चाहूंगी उनके फेस पे जो चोटें हैं वो कहाँ से वो सीढ़ी पे उतार रहे थे ना उसको लिटा के फिर ऐसे उतारा तो उसको उधर लग गए वो चोटें उनकी मौत के बाद की है या पहले की नहीं जब मतलब उतार रहे थे ना अंदर से लेके आ रहे थे ऑटो में डालने लगे ना हमारे घर की सीढ़ियाँ हैं तो हाँ हमारे घर की सीढ़ियाँ जहाँ मैं रहती हूँ ना ऊपर रहती हूँ दुकानों के ऊपर वो सीढ़ियाँ हैं हम वो क्या करने लगे उसको इधर से बाजू पकड़ी है दो बंदों ने पीछे से वो टांगे पकड़ी है ऐसे करके पा रहे थे मैंने बोला इसको ऐसे मत उतारो फिर उसको इधर लगी है उनकी मौत घर पर हुई थी या यहाँ पर आने के बाद नहीं इधर हुई है इधर हुई जब उधर थे तब नमस चल रही थी हाँ जी और जब वो गिरे हैं सीढ़ियों से तब भी वो जिंदा थे नहीं तब मैंने देखा नहीं अच्छा आपको क्या हुआ मैं जानती हूं मेरे को अपेंडिस का ऑपरेशन हुआ है मेरे को ये बता दो कि हॉस्पिटल कैसे पहुंचाया उनको कौन कौन आया उनके साथ मैं और मेरी सिस्टर आए थे और मकान मालिकों ने ऑटो करके दिया और उसको डाल के दिया मकान मालिकों ने ऑटो हाँ जी तो सुन यहाँ से वहाँ से यहाँ तक का रास्ता कितना ये नहीं मुझे पता ये मंडलीप नगर है ना टॉप पुल पे बेस्ट प्राइस कौन है इनकी मेरी फ्रेंड उसकी फ्रेंड हाँ क्या नाम है अंजू डोगरा आप कहाँ की है मैं भी उधर ही रहती हूँ तो हाँ जी आपने क्या देखा आप वो बताओ मैं तो अभी आई हूँ दीदी मुझे कल ही पता चला है इसके बारे में ठीक है बाकी मैं आप इनसे बयान ले लो फिर मैं बताती हूँ आपको जब आप कह रहे हो आपने और आपकी बहन ने उनको यहाँ तक लाया लड़के के फैमिली वालों को क्यों आपने फोन नहीं किया नहीं किया था सबसे पहले उन्हीं को किया कब किया था ये बताओ सबसे पहले जब उनको मतलब होश नहीं ना आ रहा था नब्ज चल रही थी ना इसकी सिस्टर को फोन किया मेरे बेटे ने मैं बेहोश हो गई इससे बात नहीं हो रही थी इसको भी संभाला इसने फिर ये बच्चे हाँ ये मेरे दोनों बच्चे क्या नाम है आपका यासिर यासिर आपने क्या देखा मैंने देखा कि पापा को सांस का अटैक आ रहा था तो मैंने मम्मा को बोला मम्मा देखो पापा को क्या आ रहा है तो मम्मा ने बोला पानी लेके आ तो मैंने पानी लेके आया तो मम्मा ने पिलाया फिर पापा ने पिया फिर जब पापा को होश नहीं आया था मम्मा ने बोला जब मकान मालिक के बहू को बुला के लाया मैं बुला के लाया था तब सांस चल रही थी जब फिर जब हम लाए तो नहीं थे पापा यासिर सबसे पहले फोन किसको किया मैंने अपनी बूजी को किया था बूजी को क्या बोला बूजी बोला पापा को अटैक आ रहा सांस का बूजी बोल रहे आ रही हूं तो पापा कुछ बोल रहे थे हां जी क्या बोल रहे मुझे अटैक आ रहा पापा ऐसे कर रहे थे मुझे सांस नहीं आ रही
तो हॉस्पिटल कौन लेके आया? मैं और मेरी मासी और मेरी मामा। ये आपकी मासी है? हाँ जी। आप लेके आए थे? हाँ जी। आपका नाम क्या? पूजा। आपने क्या देखा अब बताओ? जब मैं आई मकान मालिक उनको नीचे उतार के, पहले मुझे ये बता दो आप पहले से उनके घर पे थे या फोन? मेरे को फोन किया मकान मालिक ने, उन्होंने फोन किया जल्दी आओ यहाँ पे वो आपके जीजा जी है वो बीमार है सांस नहीं आ रही। जैसे मैं आई उन्होंने नीचे ऑटो में बिठा दिया था, उधर से मैं बैठ के इनके साथ आ गई। मतलब अगर मैं मेल की बात जानने की कोशिश करूँ, उनकी जो बॉडी होती है वो काफी हैवी होती है, अगर मैं आप दोनों को देखूँ आपने कैसे उनको ऑटो? हमने नहीं डाला, उन्होंने मकान मालिक ने दो पता नहीं उधर से कोई आदमी है उन्होंने ही बुलाया, उधर से जा रहे थे उनको पकड़ के। जब आपके हस्बैंड को जिस तरह से आपने कहा कि अटैक आ रहा था, वो लास्ट टाइम में कुछ बोल रहे थे? नहीं, यही बोले ऐसे ऐसे कर रहे थे, बोलते ऐसे ऐसे मेरे को सांस नहीं आ रही है। आपने इनकी बहन को फोन किया था? तो इनकी बहन कहाँ? आपका नाम क्या? मेरा नाम मुमताज। आप कहाँ की रहने वाले? रहने वाले हम सुंदरवनी के, वैसे हम रेंट पे रहते हैं बेली चराना। वो बच्चा बोल रहा है कि सबसे पहले आपको फोन किया था, आप मुझे बताए बच्चे ने क्या बताया? मैम बच्चे ने हमें फ़ोन किया, बोलता मेरे हस्बैंड को फ़ोन किया, बोलता फूफा जी जल्दी आ जाओ मेरे पापा ने फांसी लगा ली। मैंने फांसी नहीं बोला, मैं क्या बोला था? मैंने बोला बुजी जल्दी आओ मेरे पापा को सांस नहीं आ रही, मेरे से जल्दी जल्दी में निकल गया था। क्या निकल गया था? कि पापा ने फांसी लगा ली, मैंने सांस बोला था। ठीक है, आप बताओ जो बच्चे ने बोला। मैम मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है जब उसने फ़ोन किया था। आप रिकॉर्डिंग? हेलो हेलो बाबू का कार आ जा रहे सारी तो मेरे साथ झगड़ा कर रही है, छोटी वाली साल ने मुझे थप्पड़ मारा है। किस बात पे? की ऑपरेशन क्यों कराया हमारी बहन का? किस बात पे? वो भी रिकॉर्डिंग मेरे पास पड़ी है, वो भी सुनो मैम। ये कुछ किसी ने थप्पड़ नहीं मारा था, मेरा पता करने आए, मेरे पति ने उनके साथ झगड़ा किया, वो चले गए। हम भी पास में रहते हैं, हमें किसी ने नहीं बताया फोन करके कि इसका ऑपरेशन, इनकी फैमिली सारी थी, हमें किसी ने नहीं बताया। मेरे को मालिक ने वो जहाँ ये काम करते हैं मुझे बोला, मैम जहाँ मेरा भाई गाड़ी चलाता है ना उनके साथ, इसका जो बड़ा जीजा है वो भी गाड़ी चलाता है। मेरा भाई हॉस्पिटल में था क्या? उनको पता नहीं था? उनको सारा पता था कि इसका ऑपरेशन हुआ है। ये क्यों झूठ बोल रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं हुआ है, पता नहीं है? ऑपरेशन की बात से क्या हो गया? अगर पैंटिस का ऑपरेशन करवाया, इसी से तो उन्होंने प्रेशर डाला ना उस पे, आके मारने लगी सारी सालियां आके। इसके मायके वाले सामने आए, मेरे फैमिली वाले मुझे बुलाती नहीं थी, मैंने फोन किया इनको। मेरे ससुराल वाले नहीं बुलाते, मायके वाले? मायके वाले नहीं बुलाते, ससुराल वाले बुलाते हैं। हाँ जी, ससुराल वाले में मैं जाती हूँ, ससुराल में लव मैरिज की है मेरी, मैं हिंदू ये मुस्लिम है। लव मैरिज हुई है? हाँ जी, लव मैरिज है मेरी, मेरे पास कागज है सब कुछ है। आप हिंदू थे पहले? हाँ जी। हाँ जी, तो आप मुस्लिम हो गई है ना? हाँ, तो उसमें क्या? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पति को भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे बच्चों को भी कोई दिक्कत नहीं, मैंने इसको भी मुस्लिम बनाया हुआ। हेलो नहीं कोई भी गल
आप इनके आप यहाँ पे आ जाओ। आपको फोन है ये पापा लड़के के साथ। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनवर हुसैन। अनवर हुसैन जी आप बताइए, वो आपका बेटा था, आपका जो बोलना है वो बात बहुत अहम है, आप बताइए। क्या बताऊँ मैं, कुछ नहीं बता सकता। आपका बेटा आपके साथ नहीं रहता था? वैसे तो था लेकिन अलग से रहते थे ना, जम्मू में रहते थे। जम्मू में रहते थे 8-9 साल। आप जब आखिरी बार आपके बेटे से आपकी बात कर रहे हो? अब 4-5 दिन पहले जहाँ से गया हूँ। तो कल सुबह बात हुई मेरी इसके साथ, फिर उसके बाद बात हुई मेरी जब जैसे लगाने गए थे ना तब भी बात हुई। उसके बाद आपका बेटा, आपको कब पता चला कि उसकी मौत हो गई? मुझे कल 6:45 पता चला। हॉस्पिटल जब वो पहुँच गया था तब, यहाँ हॉस्पिटल आने से पहले? नहीं तब हॉस्पिटल था, जब पहुंच गया था तब। आपको पहले क्यों नहीं पता चला कि वो हॉस्पिटल आ रहा है? मुझे बताया नहीं किसी ने, हम तो दूर रहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है वो बताइए। देखो हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, मुझे तो लगता है मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। मर्डर किसने किया ये क्या लगता? तो इसका भी मैं क्या बता सकता हूँ, लेकिन मेरे बेटे का मर्डर हुआ है। जो मैंने उसकी चेहरे पे निशान देखे हैं, जो उसकी स्थिति देखी है, कहा जा रहा है ना उसको सांस का अटैक आया, क्या ऐसी प्रॉब्लम? नहीं कोई सांस का अटैक, अगर सांस से पता है, लेकिन सबने बोला था दवाई ले लो, उसने दवाई नहीं ली थी। हम इनके नाना दया डेथ हो गई थी, हम उधर गए थे, उसको सांस की प्रॉब्लम हो गई थी रात को, ये उधर ही सोई थी उसके पास, मैं उधर सोई थी दूर। पहले भी 2-3 बार उनको अटैक आया, अटैक आया ऐसा नहीं आता, जब उसको खांसी लगती थी ना कभी कभी उसकी सांस फूलती थी, ये नहीं कि उसको अटैक आते थे। मैम अटैक का सांस फूलती थी उसकी, उसकी सांस फूलती थी, थोड़ी सांस फूलती है। मैम 2-3 दिन पहले इनका झगड़ा हुआ था घर में, तो इस बच्ची के साथ मेरी बात हुई थी, मेरी बात हुई थी, ये कह रहे थे कि नासिर ने मेरे घर में फोन करके कह के करके बोला है कि आपकी लड़की जो घर से भाग गई है, तो बेसिकली इसका ऑपरेशन हुआ था। तो ये इनकी बड़ी जो है ना साली और सांडू और छोटी साली, ये 3 बंदे घर आए थे, तो इनका झगड़ा चल रहा था, मैं बात कर रहा था, मैं बार बार यही बात बोल रहा था कि मैं माफ़ी मांग लूँगा, गलती हो गई, जो भी बात को मुका दो। मैं बड़े सांडू से बात कर रहा था, उसने मुझे दूसरे दिन बताया कि भाई सभी आए थे, मुझे छोटी साली ने थप्पड़ मारा, ठीक है, आके बिल्कुल पेशेंट के ऊपर आके ऐसे लेट रहे थे। एक मिनट बात रिकॉर्डिंग में, बच्चे रिकॉर्डिंग करने आए थे और उसने बात निकाल दिया उनको बाहर, उन्होंने बाहर निकाल दिया। उसके बाद कह रहे थे कि बड़े सांडू के साथ खुंदक चल रही थी, छोटा सांडू और साली आए थे, उन्होंने बहुत प्यार से बात की, वो मैं जानता नहीं कौन से हैं वो, बट उसने मुझे ये भी बताया कि बड़े प्यार से बात की है, ढंग से बात की है, कि हमने अगर ऑपरेशन कराया कोई गलत नहीं किया। ये इनका कहना ये है कि अगर इन्होंने आपका ऑपरेशन कराया, अगर हमारी लड़की का ऑपरेशन कराया, हम भी इनके लड़के का ऑपरेशन कराएंगे। आप पता नहीं, आप मुझे ये बताइए, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाया था एमरजेंसी में, एक मिनट, अच्छा इस बच्ची की मेरे साथ पता क्या बात हुई? ये बच्ची कह रही थी मामू जी इसने मेरे, एक मिनट बच्चा ऐसे देखो, झूठ नहीं माना मामी, जल्दी सच है, इन्हें जो मेरी बात हुई थी, ये कह रही थी मामू जी इसने मेरे घर में बताया कि सबिया भाग गई है, यही बात हुई थी ना, और मामू जी मैं अपने टांके टोंके तोड़ के जा रही हूँ थाने में, वो ये मुझे कह रही थी, पूछ लो मैं झूठ बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। मारने पे पड़ रहा था, मुझे भी मारने पे पड़ रहा था, मैंने बोला मारने पे मत पड़, हमने फोन करके बताया गया कि ये भाग गई है, जो है ना सच, जो मैं मुझे ये बच्ची भी कोई नहीं है, क्यों इस बच्ची के पास जो बच्चे हैं वो हमारे हैं, अगर इसको तकलीफ होगी हमें भी होगी। रिलेशनशिप बता दें आप इनके, लगते मैं सका मामा हूँ बच्चे का, जिसकी डेथ हुई उसके सका मामा हूँ, ठीक है। कहने का मतलब है हम ये भी नहीं चाहते कि इसके साथ गलत हो, हम ये चाहते हैं जो है वो सामने आए, इंसाफ हो। यहाँ पर आपने देखा कि एक परिवार है जो ये चाहता है कि उनको इंसाफ मिले, अपनी राय को जो है वो जरूर रखिए। अभी मैं आपको बता दूंगी कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी आना जो है वो बाकी है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही साझा होगा कि क्या मेरा कराला लिया था, तो मेरा कला गलत करायो, मेरे कार तो है तो बाहर करी रहा फोन करी करी आ मेरे कार तो है मेरा बच्चा खर्चल करी रहा। हमारे साथ कोई गलत नहीं हुआ, मैं छोटा सा बाला, हमारे साथ कोई गलत नहीं, माँ घर पे बैठी अभी उसको कुछ पता नहीं, उसे क्या बताएंगे, करो तो है जो करना है, मैं काफी नहीं करना। सवाल पूछूंगी, ये जो है ये इंसाफ चाहते हैं, क्या आप इंसाफ नहीं चाहते कि सच बाहर आना चाहिए, होना चाहिए, जाती है ना, हाँ, हाँ, अगर मैं गलत हूँ ना तो मैं बोलूंगी नहीं आना चाहिए, आना चाहिए सच, क्योंकि इनका बेटा गया, हाँ, मैं भी ये बोलती हूँ इनकी माँ का बेटा गया, हाँ, मेरा कार्ड भी नहीं करवाने दे रही थी, इसने फटाफट बाहर निकलवाया, मैंने निकलवाया, झूठ बोलने, मैंने ये बोलने लगी, मैम ये बोलने लगी दीदी बाहर निकल, चल रहा हूँ, ये बच्ची मुझे कह रही है
कि मामू जी ऑपरेशन पोस्टमार्टम करवाना है, इसने मुझे ये नहीं कहा कि नहीं करवाना, हमने करवाना, हमने इंसाफ किया। घर वाले ने भी इसको खींचा। मैम पहले मैंने बोला, सुनो पहले मैंने बोला, लेकिन जब इसने अपने बयान चेंज किए, जब इसने बयान चेंज किया कि इसकी सांस फूली थी, तब मैंने खुद पुलिस वालों को बोला इसका पोस्टमार्टम करो। पहले इसने ये इसने खुद बाहर निकाला। आपने FIR करवाई? क्यों मैम, मैं क्या करूँ, अकेली मेरे पास बच्चे है, मेरा ऑपरेशन हुआ है, मेरे को क्या पता। पुलिस नहीं आई? हाँ पुलिस इन्होंने बुलाई थी। सर आप आ जाइए, आपने क्या वो FIR करवाई है, कोई कंप्लेन करवाई है आपने? सुंदरबनी से थाने जा। सर आपने कंप्लेन करवाई है? कहाँ कहाँ? मैम इस बच्चे ने भी कुछ दिन पहले कंप्लेन करवाई है। किसी चीज की? क्या घर में झगड़ा हुआ था? किस चीज की कंप्लेन हुई है? हुई है। और ये हुई है अपना कौन से स्टेशन में? आप उसका नाम बता दें। पुलिस स्टेशन का नाम नहीं हमें पता मैम, फ्लोरा के आसपास ही है। नहर पे, ये नीचे वो पवन के आइसक्रीम है, नहर हेड पे रिपोर्ट करवाई है इसने 4 दिन पहले की। नहीं अभी जो उनकी ये जो वारदात हुई उनके साथ उसकी रिपोर्ट है, उसकी रिपोर्ट करवाई हुई है मैडम जी ऊपर एक क्या बोलते हैं जानी में। चलिए अपनी राय को जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिए, और मैं आपको कह दूंगी कि ये मैटर जो है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए, अभी जो इस पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो जारी है, और इन्वेस्टिगेशन होना बाकी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना भी बाकी है, तो अपनी राय को जरूर साझा करिए। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहे जम्बुलेटन। आशा खान का तलाक।